हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका, आज मैं आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए बताने वाली हूँ। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं। सॉस पास्ता के लिए मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है। अब मैं इसे बॉईल करूँ। पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने ढाई गिलास मैंने पानी लिया है। उस पानी में मैंने नमक 1 चम्मच डाला है। नमक आपको डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं डालिएगा तो ये फिर टेस्ट नहीं आएगा। बाद में नमक डालने का नहीं है। और इसमें 1/2 चम्मच मैंने रिफाइन डाला है। रिफाइन आप ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा अगर डालिएगा तो पास्ता पे ये जो कोट, हम जो क्रीमी कोट चढ़ाएंगे वो नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए। और इसको इस तरह आप पहले मिला लीजिए। पानी गर्म हो चुका है, बॉयल भी आ गया है। अब मैं इसमें पास्ता डालूँगी। मैंने पास्ता डाल दिया है। अब इसको आप हल्के हाथ से हिलाते रहिए। ये देखिए इस तरह। इसको मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना है, कम से कम 80% करना है, क्योंकि 20% जो है ये क्रीम के साथ सॉफ्ट। आप देख रहे हैं कि पास्ता जो है कितना अच्छे से बॉयल हो रहा है। ये देखिए, अब मैं इसे चेक करूँगी कि मेरा ये सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक पास्ता निकाला है। आप इसको इस तरह काट के आप देखिए, ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं सारा पास्ता देख रहे हैं कि हमारा पास्ता रेडी हो गया है। 80% ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं गैस बंद करके इसे छन्नी में निकालूँ। तो इस तरह नलके के नीचे रख के इसे वॉश करना है, ताकि ये गर्म जो है जल्दी से ठंडा हो जाए। ये आप देख रहे हैं, इस तरह करने से आपका ये चिपकेगा नहीं और जो गर्माहट है इसकी ये निकल जाएगी। ये देखिए, कढ़ाई गर्म कर रखा है। अब इसमें मैंने 2 स्पून रिफाइंड डाला है। ये आप इस तरह डाल दीजिए। उसके बाद चॉप किया हुआ 4 से 6 कली लहसुन की आप इसमें डाल दीजिए। ये और इसे मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी कि इसका कच्चापन हट जाए। ये आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट हो गया है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैंने एक जो है मीडियम साइज का प्याज इस तरह रख लिया, आप काट लें और इसको चलाएं। आपको इसको भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, वो भी एक कटा हुआ है। आप चाहें इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप चिकन के साथ भी पका सकती हैं, आपकी मर्जी पे है। मैंने ये डाल दिया। इसे मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, इसको ज़्यादा ब्राउन करना नहीं। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसे भी पका लिया है हल्का सा। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक दूंगी कि सब्जी जो है बहुत सॉफ्ट हो जाए। ये देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं देना है। और इसमें काली मिर्च मैंने दिया है 1 छोटी चम्मच से 1 चम्मच। अब इसे मैं 2 मिनट इस तरह खाली मिलाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, इसको बस मीडियम आंच पे आपको पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि हमारा ये रेडी हो गया। अब मैं इसे निकाल के साइड में रख दूंगी और फिर इसके बाद मैं व्हाइट सॉस बनाने का प्रोसेस। व्हाइट सॉस के लिए मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच, ये देखिए मैंने बटर लिया है। बटर आप जितना लें उतना ही आप मैदा भी लें। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें और सीम आंच पे इसको रखें, हाई फ्लेम पे आप इसे ना पकाएं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बटर दे दिया है। अब मैं उतना ही मैदा इसमें डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा कम हो जाए तो ये जो क्रीम है बहुत ख़राब हो जाता है, किसी का कच्चा रह जाता है। इसीलिए दोनों अगर बराबर रहेगा तो ये परफेक्ट बनता है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से इस तरह मिलाऊंगी। आप देख रहे हैं ये बटर भी और मैदा। इसको तब तक चलाना है कि जब तक ये सारे अच्छे से बटर और मैदा एक दूसरे में कितने अच्छे तरीके से मैदा और ये बटर एक दूसरे में मिल गया है। इसको मैं थोड़ी से और चलाऊंगी। बस आपको ये देखना है कि खुशबू जब आने लगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी अच्छे तरीके से मिल गया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे दूध डालूंगी। ये आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा सा आप दूध दीजिए, फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाइए कि लम्स ना रहे। इस तरह आप मिलाते जाइए, फिर आप जो है इसको दूध डालिए। मैंने पूरा 1 कप
डाला है। अब इसको आप जो है इसी तरह चलाते रहिए। ये देखिए इस तरह पूरे अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि मेरा व्हाइट सॉस जो है धीरे धीरे ये रेडी हो रहा है। ये मिल गया है अच्छे तरीके से। इसे जो थोड़ा थोड़ा सा ये गांठ के टाइप है, आप इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसको ज़्यादा मुझे पकाना नहीं है, गाढ़ा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा है, इसे मैं अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। अब मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। मैंने हल्का सा नमक डाला है और काली मिर्च मैंने डाला है। काली मिर्च आप कम देना क्योंकि आपने पहले भी दे रखा है। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिलाऊंगी। इसके बाद मैं एक चम्मच, इसके बाद मैं चिली फ्लेक्स एक चम्मच ये डाल रही हूँ। ये देखिए छोटे चम्मच से फिर मैं इसे अच्छे तरीके से ये मिलाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कि हमारा व्हाइट सॉस रेडी है। ज्यादा आपको गाढ़ा नहीं करना है और ज्यादा पतला होगा वो भी आपका सही नहीं होगा। गाढ़ा होगा तो ये जो है, ये देख रहे हैं इतना गाढ़ा होगा तभी तो हमारा जो पास्ता है इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट होगा, जो दो मिनट मुझे पकाना है। अब मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ। मैंने सारा सब्जी डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छे तरीके से ये मिलाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका सॉस जो है व्हाइट सॉस ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें आप गरम दूध, ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने सारा सब्जी मिला दिया है। अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी। पास्ता देके मुझे अच्छे से इसे मिलाना है। धीरे धीरे आप मिलाइएगा ताकि ये जो है टूट ना जाए अंदर जाके। इस तरह देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी दिख रहा है। ये देखिए इस तरह मैं अच्छे तरीके से पहले पास्ता को मिलाऊंगा। देख रहे हैं कि हमारा पास्ता पूरी तरह से अच्छे तरीके से देखिए मिल गया है, कितना क्रीमी और कितना ये देखने में यमी और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए अब मैं इसमें, आप चीज भी दे सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए इसमें पनीर में डाल रही हूँ। देखिए आप एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे मैं 2 से 3 मिनट इसे पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिला दिया है। ज्यादा तेज में नहीं मिलाना है नहीं तो आपका पास्ता जो है अंदर से टूट जाएगा। ये देखिए ये क्रीमी क्रीमी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, कि आपका झटपट में रेडी होने वाला व्हाइट सॉस पास्ता। अब आप देख रहे हैं कि हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है गर्मा गर्म। आप मेरे रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्रीमी और टेस्टी है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।